हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज से हम लोग एक नई सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, नई तरीके की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी और हम लोगों ने GBU के टाइम पे ऐसा एक इनिशिएटिव लिया हुआ था, जिस टाइम पर GBU का एग्जाम लगा हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो होते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, वो हम लोगों ने 3-4 महीने तक लगातार किया हुआ था एज ए रिविजन क्लास के नाम से। रिविजन के पर्पज से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया हुआ था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था उन सारी चीज़ों का। और अभी क्या हुआ है कि अभी SBI CBO का एग्जाम लगा हुआ है और SBI क्लर्क का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए भी बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर इस तरीके से एक रिवीजन क्लासेस करा दीजिए, या फिर जो भी आपको लगता है कि इन दोनों एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस से संबंधित, उसके आप लोग छोटी छोटी क्लासेस जो है करके लेके आइए एक बार फिर से, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर किया गया है और इस तरीके से हम लोग अपनी नई सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन क्लासेस वाली प्लेलिस्ट में ही ये जाएगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये भी इस तरीके की क्लासेस साल भर चलती रहें, क्योंकि होता क्या है कि कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम लगा ही रहता है और जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो लगातार हमेशा पढ़ाई वढ़ाई इतने करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो मुझे लगेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको ऑलरेडी मैंने पहले अपने पेड बैचेस में कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, चाहे तो आप लोगों को ये यूट्यूब की फ्री वाली क्लासेस में मिली हो, चाहे तो फिर आपको मैं अपने पेड बैचेस में, जो भी हमारे पेड बैचेज वगैरह चलते हैं वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया होगा। अगर आप हमारे पेड बैच के यूजर्स नहीं हैं, यूट्यूब पर फ्री क्लास भी नहीं देखते हैं और आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आए हैं, तो कहीं ना कहीं से आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो कहीं से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग देखिए और अपने आंसर देने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका क्या क्या आंसर होगा, ठीक है ना। 10-10 क्वेश्चन करके ये सीरीज चलेगी, 10 क्वेश्चन से ज्यादा हम लोग एक वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फॉर्मेट वही रहने वाला है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2-4 सेकंड का टाइम रहेगा हिंदी और इंग्लिश में, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको इसका आंसर पता हो जाएगा कि क्या होता है इसका आंसर, अगर आप लोग सही से पढ़े हो, चाहे जहां से पढ़े हो, सही से पढ़ाई की है आपने, चाहे पेड यूजर्स हो, चाहे यूट्यूब पे फ्री में वीडियोस देखे हो, या फिर कहीं किसी और टीचर से आप लोग पढ़ते हो, सही से पढ़ाई की है और आपके टीचर ने पढ़ाया हुआ है डीप में, आपने सही से पढ़ाई किया है, चीजें आपको याद हैं, तो जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आपको इसके आंसर्स पता हो जाने चाहिए और आप उस टाइम पर इस आंसर्स को कॉमेंट कर बताओगे कि आपका आंसर क्या रहा। 10-10 क्वेश्चन का सीरीज चलेगी, आपको 10 क्वेश्चन तक आपको लास्ट में देखना होगा, 10 क्वेश्चन के बाद में आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आपके हैं ये आपको कमेंट करके बताना होगा। यही सीरीज चलेगी। लास्ट टाइम हम लोग क्या करते थे कि जब रिवीजन क्लासेस करते थे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर लेते थे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं देते थे ज्यादा। अभी इस बार मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन से संबंधित थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में समझाऊंगा, जिससे कि कोई अगर नए यूजर्स भी आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत इनको आइडिया लगता जाए। कंप्लीट कंटेंट अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो जो भी हमारे पेड बैचेस वगैरह चल रहे हैं वहां पे आप लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करना जरूरी था कि किस फॉर्मेट में किस तरीके से हम लोग आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। शुभारंभ करेंगे इसका। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, दी बोर्ड ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एंड फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैज अप्रूव्ड एन ऑल स्टॉक मर्जर ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक अंडर सेक्शन 44A ऑफ द BR एक्ट 1949, ठीक। दिस मर्जर विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम व्हिच डेट, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बोर्ड ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1994 की धारा 44A के तहत AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑल स्टॉक विलय को मंजूरी दे दी है। इनका विलय होने जा रहा है, इनका मर्जर होने जा रहा है, और यह मर्जर किस तारीख से प्रभावी होगा ये इस क्वेश्चन का मतलब पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। काफी टाइम, पर्याप्त टाइम दे दिया आप लोगों को, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने आंसर या तो नोट डाउन कर लिया होगा या तो कमेंट करके बता दिया होगा, एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 February 2024, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर है 1 February 2024 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक्सपांड कर रहा हूँ, थोड़ा सा चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है ना। दोनों का मर्जर हो रहा है, किसका किसका मर्जर हो रहा है बता दिया गया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्मॉल फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर हो रहा है, 1 February 2024 से प्रभावित हो जाएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 44A के तहत में ये हिसाब किताब चल रहा है, ये मर्जर चल रहा है, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा कि 4,411 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 4,411 करोड़ रुपए में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक्वायर कर लेगी पूरी तरीके से। और इस मर्जर का जो मेन मोटो है, इसका जो उद्देश्य है,
वो ये है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को साउथ इंडिया में भी उसकी ब्रांचेस बढ़ाई जाए, उसका एक्सपांसन किया जाए, उसकी विजिबिलिटी उस मतलब साउथ इंडिया में भी पहुंचाई जाए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेस को, साथ ही साथ में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में भी इंटर कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होती है वो ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम किया हुआ था, तो वहाँ पे भी इंटर करना इसका एक मेन मोटिव है। मर्जर की जो भी कंडीशंस हैं उस कंडीशंस के हिसाब से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में उनके प्रत्येक 2000 शेयर्स के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 579 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड मर्जर पूरा होने के बाद में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में 700 करोड़ रुपए का और निवेश करेगी, ठीक है ना। ये जो फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ, ये फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की प्रमोटर है, ठीक, ये थोड़ा सा जानना यहाँ पे जरूरी था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान, एमडी एंड सीईओ मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका, एमडी एंड सीईओ मैं फिर से नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। किसका किसका ये क्वेश्चन सही था कॉमेंट कर आप लोग बताएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, वर्ल्ड सेविंग्स डे ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस ग्लोब ऑन विच डेट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सेविंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड सेविंग्स डे, जिसको कि हम लोग वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे भी बोलते हैं, वो एनुअली कब ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक ना, ग्लोबली मतलब ये एनुअली साल भर हर साल किस तारीख को दुनिया भर में देश भर में ऑब्जर्व किया जाता है, ये इसमें इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। अब तक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। 31st of October 2023 इज द राइट आंसर। 31st of October 1984 की अगर हम लोग बात करें, 31st of October 1984 में इंडिया की जो हमारी पूर्व प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या कर दी गई थी, और इसी वजह से 31 के बजाय 30 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड सेविंग डे जो है वो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 31 को क्या है इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि हो जाती है। 2023 के लिए थीम क्या है इसकी, ये मैं आप लोगों के हवाले छोड़ूंगा, आप लोग कमेंट कर बताओगे। ये जो वर्ल्ड सेविंग्स डे थी इसकी थीम क्या है 2023 के लिए, ये आप लोगों को पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता रहा हूँ कि पहला वर्ल्ड सेविंग डे जो है वो 31 अक्टूबर 1924 को सेलिब्रेट किया गया था, 31st of October 1924 को सेलिब्रेट किया गया था। थीम क्या है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड टू प्रोवाइड ए वर्ल्ड क्लास कस्टमर एक्सपीरियंस, व्हिच क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद रिलायंस रिटेल लिमिटेड, ठीक है ना, विश्व स्तरीय ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस क्रेडिट कार्ड प्रदाता ने हाल ही में रिलायंस रिटेल के साथ में सहयोग किया हुआ है, कोलेबोरेशन किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। अब तक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, इसका मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। SBI कार्ड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दो वेरिएंट में ये कार्ड जो है लॉन्च किया जाएगा, रिलायंस SBI कार्ड पहला वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट रिलायंस SBI कार्ड प्राइम, ठीक है ना, रुपे कॉन्टेक्ट लेस टेक्नोलॉजी यूज करके ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। किसका सही हुआ कॉमेंट करो। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड पर्सनलाइज फाइनेंशियल सोल्यूशन टू एम्पावर MSME सेक्टर अक्रॉस इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए को-लेंडिंग मॉडल पार्टनरशिप विद विच बैंक, ठीक है ना। भारत भर में MSME क्षेत्रों को सशक्त बनाने और के लिए किफायती और व्यक्तिगत वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में किस बैंक के साथ में सह उधार मॉडल साझेदारी में प्रवेश किया है, यानी कि को-लेंडिंग पार्टनरशिप किया हुआ है, ये इसे पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, अब तक आप लोगों ने आंसर दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। को लेंडिंग मॉडल क्या होता है तब तक मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग वहाँ से कमेंट करो। 2018 में RBI ने को ओरिजिनेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया हुआ था, और उसमें बैंक और NBFCs को लोन को ओरिजिनेट करने की अनुमति दी गई थी। बाद में 2020 में को लेंडिंग गाइडलाइंस आई, ठीक है ना, उसके बाद में 2020 में को लेंडिंग गाइडलाइंस आई और उसको अमेंड करके को लेंडिंग मॉडल इसका नाम मतलब बदल के कर दिया गया। जो को ओरिजिनेशन फ्रेमवर्क था उसको 2020 में
कोल लेंडिंग गाइडलाइंस ला के उसको अमेंड किया गया, फिर उसका नाम बदल के कोल लेंडिंग मॉडल कर दिया गया। अब तक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक को लेंडिंग मॉडल पार्टनरशिप में मतलब साझेदारी की हुई है, ठीक है, क्यों किया हुआ है, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर्स के लिए जो है किफायती और व्यक्तिगत वित्त पोषण समाधान प्रदान किया जा सके, यानी कि पर्सनलाइज फाइनेंसिंग सोल्यूशन उनको प्रोवाइड किया जा सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, द बैंकर टू एवरी इंडियन इसकी टैगलाइन हो जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, चेयरपर्सन मुझे याद नहीं आ रहे हैं, एसबीआई में डायरेक्टर डायरेक्टर होते हैं तो कितने होते हैं, कितने एमडी होते हैं, ये सब मैं भूल गया हूँ, ये सब आप लोग रिकॉल कर लेना। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ मिलते हैं यार, मैं भूल गया हूँ, बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंक भी मैं भूल ही गया हूँ, ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर क्वेश्चन के साथ में आप लोग तैयार करते हुए चलोगे, इसका सही हुआ कमेंट करोगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which bank has recently become the first foreign bank in India to offer electronic bank guarantee? ठीक है, कौन सा बैंक हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी कि EBG लॉन्च करने वाला भारत का पहला विदेशी बैंक बन गया? This question is also important just because of the bank is first foreign bank which is going to introduce the electronic BG, ठीक है ना? तो ये पहला विदेशी बैंक है जो कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च किया हुआ है, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। HSBC इंडिया ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है, अब तक आप लोगों ने इसका सही उत्तर दिया होगा। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ में मिलकर EBG लॉन्च किया जाएगा और ऐसा करने वाला ये पहला फॉरेन बैंक बन गया है। EBG पेपर बेस्ड जो बैंक गारंटी वगैरह होती है ना उसी का डिजिटल वर्जन होता है। BG वगैरह क्या होती है अपनी क्लासेस में मैंने पहले आप लोगों को बता रखा है, तो यहाँ पे अननेसेसरी आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हिच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू रिसीव गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर रजिस्ट्रेशन? कौन सी जीवन बीमा कंपनी हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सब लोगों के सामने है, आंसर इसका फटाफट आप लोग बताओ, इसका आंसर आप लोग फटाफट बताओ। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई में होगा, ठीक है ना, IRM विशाखा की इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। इंडिया फर्स्ट की IFSC यूनिट बहुत ही जल्दी ऑपरेट करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द RBI? हाल ही में RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इसमें पूछा गया है, मनोरंजन मिश्रा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आप लोगों ने तक सही उत्तर दिया होगा, ठीक है, और इनका कार्यकाल जो है वो 1 नवंबर 2023 से प्रभावी हो चुका है, और इससे पहले ये RBI के डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में चीफ जनरल मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन मिश्रा इसका राइट आंसर। किसका सही हुआ, 7 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है, किसका कितना क्या सही रहा, लास्ट में आप लोगों को अपडेट देनी है। How much percentage of stake has recently been acquired by the Zurich Insurance Company in Kotak General Insurance for the ₹4,051 crores? Zurich Insurance Company ने हाल ही में Kotak General Insurance में 4,051 crore रुपए में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ये इस क्वेश्चन का नहीं मतलब है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फटाफट इसका रिप्लाई करो, फटाफट इसका रिप्लाई करो आप लोग। ऑप्शन नंबर डी 51%, ऑप्शन नंबर डी 51%, किसका किसका सही रहा। नेक्स्ट, On the October of 26th, 2023, the Reserve Bank of India increased the minimum amount of offering non-callable term deposit from ₹15 lakh to कितना? ठीक है ना? 26 अक्टूबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर प्रतिदेय सावधि जमा की पेशकश के लिए न्यूनतम राशि को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इस क्वेश्चन में का हिंदी में मतलब है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है SBI PO के लिए, SBI क्लर्क के लिए, SBI CBO के लिए, SBI GBO के लिए, SBI GBO के लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, RBI सर्कुलर का क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट बनता है, पहले पढ़ाया जा चुका है, इसका आंसर दो आप लोग। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊंगा, डीप में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा ओवरव्यू दूंगा, पहले कई बार चीजें क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है और आप लोगों ने देखा होगा, तो जो भी क्लासेस वगैरह में पढ़ा हुआ है सारी चीजें रिकॉल कर लो, इंपॉर्टेंट बनता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर है 1 करोड़ रुपीज, ठीक है ना? ठीक, तो RBI कहता वाले सेक्शन में भी मैंने इसको दिया हुआ है, PDF वगैरह में भी इसको सारी चीजें आपको दी हुई है, ठीक है ना? RBI का सर्कुलर है ये, इसका सर्कुलर मैंने अलग से भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को पेड क्लासेस में, सभी कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए सर्कुलर एप्लीकेबल है,
ठीक है ना, इमीडिएट इफेक्ट से ये सर्कुलर प्रभावी हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जो हम लोग जानते हैं, 3 मार्च 2016 और 12 मई 2016 को डेट सुनते रहना, अगले 5-10 मिनट आप लोग सुनना, मुझे बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं मैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा सुनना, ध्यान देना, आप लोग रिवाइज करा रहा हूँ इस चीज़ों को, थोड़ा सा सुनना। 3 मार्च 2016 12 मई 2016 को RBI ने जमा राशि पर ब्याज दर के लिए डायरेक्शन जारी किया हुआ था, और इन जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को समय से पहले निकासी विकल्प के बिना डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट यानी कि TDs यानी कि घरेली घर, और थोड़ा सा आसान करें तो घरेलू सावधि जमा की पेशकश करने की अनुमति दे दी गई थी। हालांकि 15 लाख रुपये और उससे कम राशि के लिए इंडिविजुअल से स्वीकार किए गए सभी टर्म डिपॉजिट्स में समय से पहले की निकासी सुविधा थी उस समय। इसके अलावा सर्कुलर में बैंकों को डिपॉजिट टेन्योर और साइज ऑफ डिपॉजिट के आधार पर भी टर्म डिपॉजिट पर डिफरेंशियल रेट ऑफर करने की भी परमिशन दे दी गई थी। ठीक है ना, और अभी क्या किया गया कि इन सब का रिव्यू किया गया, इन सब का रिव्यू करने के बाद में, सबकी समीक्षा करने के बाद में 26 अक्टूबर 2023 को एक सर्कुलर लाया गया। उसमें ये निर्णय लिया गया कि नॉन कैलेबल टर्म डिपॉजिट की पेशकश करने के लिए जो न्यूनतम राशि है उसको 15 लाख रुपये से बढ़ा के 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था यानी कि 1 करोड़ रुपये से कम राशि के लिए व्यक्तियों से स्वीकार किए जाने वाले सभी डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स को में समय से पहले निकासी की सुविधा होगी या लिमिट, इस क्वेश्चन मतलब ये चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। और 2016 वाला जो सर्कुलर आया हुआ था उसमें लिमिट जो 15 लाख रुपये की थी, तो दोनों याद रखना, पहले 15 लाख थी 16 वाले सर्कुलर में, अभी क्या हुआ से 1 करोड़ रुपये कर दिया गया ना। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा ये ठीक ठाक सर्कुलर था, इसके बारे में काफ़ी डीप में लोगों ने पढ़ा हुआ है, कैलेबल नॉन कैलेबल ये सब भी थोड़ा सा आप लोगों को उस टाइम पे मैंने पढ़ाया हुआ था, तो वो चीज़ें भी आप लोग देख लेना, कैलेबल FD क्या होती है, नॉन कैलेबल FD क्या होती है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया गया, तो वो चीज़ें याद कर लेना। 7 दिन की डेट्स कब होती हैं वो सभी बताया हुआ था आपको ना, कि बैंक डिपॉजिट मेच्योरिटी सेट कर सकते हैं लेकिन NRE टर्म डिपॉजिट के लिए, यानी कि NRE सावधि जमा जो है वो कम से कम 1 वर्ष की होनी चाहिए, टेक्निकल पॉइंट्स था। NRO टर्म डिपॉजिट जो होती है वो, यानी कि NRO सावधि जमा जो होती है वो कम से कम 7 दिन के लिए होती है। ठीक है ना, तो ये जो 7 डेज है, 1 ईयर है, ये सब कुछ आप लोगों को डीप में पढ़ाया गया था, सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करना, क्वेश्चन यहाँ सबसे फ्रेम होंगे, चीज़ें इंपॉर्टेंट बन रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे मतलब रिकॉल करना, जिसका जो आंसर हो जाएगा 1 करोड़ रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। किसका किसका ये सही रहा और किन किन लोगों ने जो भी मैंने 7 डेज बताया, 1 ईयर बताया, ये सब चीज़ें रिकॉल कर पाए यहाँ पे, इस तरीके की क्लासेस का मतलब ये होता है कि जो पहले से हम लोगों ने पढ़ रखा उसको रिकॉल करना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, अगला और लास्ट देखते हैं हम लोग। इन ऑर्डर टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग बैंक इंश्योरेंस फ्रेमवर्क, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली फॉर्म्ड ए टास्क फोर्स, हु इज द हेड ऑफ दिस टास्क फोर्स। मौजूदा बैंक इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा करने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में एक टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है, और ये जो टास्क फोर्स है इसका हेड कौन है ये इसमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, जल्दी से इसका आंसर मतलब आप लोग कर दो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक का इंश्योरेंस फ्रेमवर्क का रिव्यू किया जा रहा है। ठीक है ना, और इसके लिए IRDAI ने एक टास्क फोर्स गठित किया हुआ है, रिव्यू करने के बाद में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे, तो उस पर भी उस टाइम पर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये जो टास्क फोर्स है इसका हेड किसे बनाया गया है, इसका आंसर हो जाएगा मीना कुमारी, ऑप्शन नंबर सी, मीना कुमारी को इसका हेड बनाया गया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ, हालांकि इस टास्क फोर्स में 4 लोग और हैं, सबके नाम मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा रखे हैं, PDF वगैरह में भी वो भी रिकॉल कर लेना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर कोई कमेटी बनती है, कोई टास्क फोर्स बनता है तो उसका हेड कौन होता है ये ज़्यादातर पूछा जाता है, बाकी उसके मेंबर्स वगैरह वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अभी का जो सिनेरियो है, जो करंट सिनेरियो बन रहा है, वो बैंक इंश्योरेंस चैनल के माध्यम से इंश्योरेंस पॉलिसीज की जो है वो ना मिस सेलिंग की जा रही है, मिस सेलिंग यानी कि जबरन सेलिंग की जा रही है, बैंकों के ऊपर भी प्रेशर है जबरदस्ती, वो इंश्योरेंस कंपनियों के मतलब प्रोडक्ट बेच रहे हैं फोन कर करके कि भाई ये ले ले, भाई वो ले ले, मिस सेलिंग की जा रही है, जबरदस्ती फोर्स सेलिंग की जा रही है। तो इसी सब को बचने के लिए, इसी सब की समीक्षा करने के लिए कि क्या ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके दुर्गामी परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या बैंकों से ये बैंक इंश्योरेंस वाला हिसाब किताब हटा दिया जाए, बैंकों से इंश्योरेंस ना बिछवाया जाए, इन सब चीज़ों का समीक्षा करने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है ना, मौजूदा जो फ्रेमवर्क है ये टास्क फोर्स उसकी समीक्षा करेगा। ठीक है ना, और इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं,
दूसरे देशों में कैसे इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हो रही हैं इंश्योरेंस सेल करने के लिए, उसको भी एग्जामिन करेगा, ठीक है ना। और जो भी सुटेबल चेंजेस लगेगा दूसरे देशों में, जैसे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, वहाँ पर बैंकें कैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, इंडिया की मार्केट में कैसे सेल हो रहा है, क्रॉस सेलिंग हो रही है, मिस सेलिंग हो रही है, फोर्स सेलिंग हो रही है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे कम किया जाए, इन सब चीज़ों की समीक्षा की जाएगी। और इन सब चीज़ों की समीक्षा करने के बाद में इसकी रिपोर्ट वगैरह अपनी देनी थी, रिकमेंडेशन वगैरह इसको अपनी देनी थी। तो ये जो है मीरा कुमारी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, और इस 10 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना नंबर आया ये आप लोग कमेंट करके बता दो। चीजें आपको रिकॉल रही कि नहीं रही ये भी आप लोग बताओ, और इस तरीके की क्लासेस और चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी आप लोग बताओ, क्योंकि मेरे पास में तो डिमांड थी, कई सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ सर चाहिए चाहिए। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने कॉमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ इस तरीके की सर क्लासेस रेगुलर बेसिस पर चाहिए, तो मैं भी थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करके और एक्सपेरिमेंट करके और इनोवेटिव तरीके से आप लोगों को कंटेंट अवेलेबल कराता रहूँगा, ठीक है ना। फिलहाल अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बताओ, और किस तरीके की क्लासेस और चाहिए कि नहीं चाहिए, किस तरीके की क्लासेस और चाहिए वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। बैंकिंग मास्टर 3 हम लोगों ने लॉन्च कर दिया हुआ है 2024 के लिए, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। बैंकिंग मास्टर 3 जो है हम लोगों ने 2024 के लिए लॉन्च कर दिया गया है, और इसमें इस समय अभी ऑफर वगैरह चल रहा है। अगर आप लोगों ने कोर्स वोर्स नहीं परचेज किया तो NY10 यूज़ करके, NY10 ये कूपन कोड है, ये आप यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं यहाँ पे। ये डिस्काउंट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, न्यू ईयर वाला भी हिसाब किताब चल रहा है, तो बेसिकली न्यू ईयर डिस्काउंट है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।